वातावरण एक क्रिएट किया जा रहा है, दहशत का वातावरण किया जा रहा है और स्कूल संचालकों को इस तरीके से गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आया कि भी इनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाए, बख्शा ना जाए, स्कूल से बसें उठा ली गई, ये भी तरीका गलत है। या नॉर्म्स पूरा नहीं करती थी बसें तभी उठाई होंगी, नई बसें भी उठा ली गई। किसने वो चार्ट बनाया कि किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना है? आप जब सुबह की इंतज़ार करो, आप पाँच छः बजे आप बसें उठा के ले जा रहे हो, क्या सुबह की इंतज़ार नहीं की जा सकती थी? जैसे वो कह रहे थे संडे को बस क्यों गई, अब जब रैलियों में बस ली जाती है तो वो भी तो हाई कोर्ट की अवमानना है, तब जो है प्रशासन कहाँ सोया होता है। सख्ती का तरीका वजह है, चेकिंग वजह नहीं है, सख्ती का तरीका वजह है कि इनको घेर लो, इनको पकड़ लो। अगर कोई गलत है, हमने कब कहा है गलत को अगर सरकार पकड़ लेगी कोई एसोसिएशन छुड़वा सकती है क्या? ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल संचालक मन बना रहे हैं कि वो अपनी चाबियां दे देंगे और अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर देंगे, उनके बस का नहीं होगा। महेंद्रगढ़ में हुई घटना के बाद अब लगातार प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, सरकार लगातार इसे मॉनिटर भी कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब आगे आई है क्योंकि उनका कहना है कि सख्ती जो की जा रही है उसकी आड़ में कुछ ऐसी चीज़ें भी की जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी नई जो बसें हैं, साल भर पुरानी जो बसें हैं उन पर भी सख्ती देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की सख्ती फिलहाल हो रही है? सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ की जो घटना है उसको आप कैसे देखते हैं, उसका जिम्मेदार क्या किसको मानते हैं और अब उसके बाद क्या आपको देखने के लिए मिला? देखिए, इस घटना का सभी को बहुत दुख है, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे विश्व के जिसने भी इसको सुना वो दुखी हुआ और इसकी जिम्मेदारी पूर्णता ड्राइवर और स्कूल की जाती है। इस पर किसी ने भी उनका पक्ष कभी नहीं लिया, लेकिन अब उसके साथ जिस तरह का व्यवहार सभी के साथ हो रहा है और जो वातावरण एक क्रिएट किया जा रहा है, दहशत का वातावरण किया जा रहा है और स्कूल संचालकों को इस तरीके से गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हम किसी इंस्पेक्शन की और उसकी कभी भी क्या तरीका गलत है सर, आप थोड़ा बताइए ताकि सरकार को भी दहशत ये फैलाई गई जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आया कि भी इनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाए, बख्शा ना जाए। ये भाई हम कोई गलत काम गलत हो अगर कोई हो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चीज़ें मतलब गलत, मैं वो मीडिया पे ऐसी बात कहना वो सब लोग खुद समझ जाएंगे, सब जानते हैं कि क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो बोलना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह के शब्दों का सबको एतराज़ था और जिस तरीके से स्कूल से बसें उठा ली गई ये भी तरीका गलत है। क्या नॉर्म्स पूरा नहीं करती थी बसें तभी उठाई होंगी? नई बसें भी उठा ली गई, हमारे यहाँ से चमन वाटिका गुरुकुल की बस उठाई गई, नामी ग्रामी स्कूल है और उस स्कूल के कौन कौन लोग हैं मैं वो भी नहीं बताना चाहता, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। और ऐसे ही जो दूसरे स्कूलों की नई बसें भी उठा ली गई, और ये किसने वो चार्ट बनाया कि किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना है? आप जब सुबह की इंतज़ार करो, आप पाँच छः बजे आप बसें उठा के ले जा रहे हो, क्या सुबह की इंतज़ार नहीं की जा सकती थी? सुबह जब वो बस रस्ते में आती आप उसको रूटीन की तरह चेक कीजिए, गलत है तो जो कानून के हिसाब से आप काम कीजिए, लेकिन ये दहशत का वातावरण बनाकर इस तरीके से जो चीज़ें, एक एग्जांपल रहा और कोई भी ऐसी घटना। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो कह रहे थे संडे को बस क्यों गई, अब जब रैलियों में बस ली जाती है तो वो भी तो हाई कोर्ट की अवमानना है, तब जो है प्रशासन कहाँ सोया होता है? तब सारी प्रशासन जब देखता है कि स्कूल की बसों का लाभ लश्कर जा रहा है तब प्रशासन की आंखें बंद क्यों होती है? किसने ली रैली में बस? पार्टी लेती है, सीधी सी बात है। कौन सी पार्टी? जो ज्यादातर सत्ता में होती है उसी का जोर चलता है, जिसके सत्ता में नहीं तो कुछ ना कुछ मिलता होगा, कोई पेमेंट या फिर कोई ऑयल वगैरह? ना कोई पेमेंट मिलती है ना हम देना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है कि पॉलिटिकल रैलियों में स्कूल बसों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मेरा सबसे अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हाई कोर्ट की बात आप भी माने, हाई कोर्ट की बात हम भी मानेंगे, और अगर हम मानने में सक्षम नहीं होंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोड़ देंगे, गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए। और हमने और भी राय लिखकर भी दी हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है बसों के लिए सिस्टम बनाए, जो गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे ले जा रही वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, प्राइवेट के लिए पॉलिसी नहीं है। अरे एक जैसी पॉलिसी बनाए, सुरक्षित पॉलिसी बनाए जिस पे सेफ एंड साउंड बच्चे पहुंच सके। हम शर्मा जी, आप जैसे सामने आए ना अभी, पहले तो आते रहे अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन जो महेंद्रगढ़ की घटना के बाद जो सख्ती हो रही है, ऐसा लग रहा है उस सख्ती की वजह से आप सामने आए हैं, वो सख्ती है वजह या मूल वजह क्या है आपके आने की और क्या आपकी डिमांड है, क्या सरकार से कहना? देखो, सख्ती का तरीका वजह है, चेकिंग वजह नहीं है, सख्ती का तरीका वजह है कि इनको घेर लो, इनको पकड़ लो। इस तरीके से जो तरीका है, क्या सारे स्कूल जो हैं, बहुत सारे स्कूलों का ये भी आया कि इनकी रिपोर्ट सही है, तो आपने तो सबको एक तराजू में तोल दिया ना। आप ये कहें कि सभी वाहन चेक होंगे,
जो गलत होंगे उनके जो है चालान काटे जाएंगे, उसका अधिकार आपके पास है ना। आप जो है इसको बोल कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई गलत है, हमने कब कहा है? गलत को अगर सरकार पकड़ लेगी, कोई एसोसिएशन छुड़वा सकती है क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है लेकिन फिर भी बसें ली जा रही हैं रैलियों के लिए, तो अब आगे क्या कोई कानूनी कार्रवाई कोई करेंगे आप इसको लेकर? जैसे आपने कहा कि घटना के बाद आप पक्ष ले रहे हैं, अभी तो घटना के बाद ही गैर कानूनी तरीके से बस लेने की हिम्मत होनी चाहिए, पहले ये बताइए। अगर फिर संडे में कोई छुट्टी वाले दिन, उसी दिन छुट्टी वाले दिन को हादसा होता, उसका जिम्मेदार होता कौन, मुझे ये बताइए। फिर आता कि प्राइवेट स्कूलों की फिर मनमानी, मैं घटना हुई, ये मनमानी हमारी नहीं है, ये सरकार और प्रशासन के। कितने दिन बाद बस ली थी आप? ये 14 तारीख को अब ली गई है फरीदाबाद के लिए। हाँ, अच्छा, अब आप क्या करेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा? दिन हुए तो ऐसे क्या, ये हमारी मनमानी है, हमें कहते जी उनकी मनमानी, हम कौन होते मनमानी करने वाले? आप ये बताइए, सरकार रसीद दिखा दे कि हमने उनको जो रैली में बसें दी उसके पैसे लिए, अगर किसी ने लिए वो गैर कानूनी काम, उस पर कार्रवाई की। ऐसे ही चलता रहा तो अब आप क्या करेंगे, आगे क्या कदम होगा? देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल संचालक मन बना रहे हैं कि वो अपनी चाबियां दे देंगे और अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर देंगे। उनके बस का नहीं होगा कि इस तरीके से बेइज्जती भी करवाओ और जो है बड़े अफोर्डेबल रेट पर, कम रेट पर, जनता भी जानती है कि 300-400-500 रुपये में कैसे वो बसों का जो है संचालन कर रहे होंगे, और ऊपर से ऐसी बातें सुनने को मिले और इस तरह अंधाधुंध मतलब गलत तरीके से हमारे पे दबाव डाला जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कानून को मानने के लिए हम सहर्ष तैयार हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए हर इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और जिम्मेदार बनने के लिए तैयार। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसमें भी आपको शामिल किया जाए? बिल्कुल, पेरेंट्स को भी शामिल करना चाहिए, एसोसिएशन को भी, पेरेंट्स को भी, कोई रिटायर्ड शिक्षाविद हैं उनको भी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी, मैं तो कहता हूं कि भी जो समाज सेवी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी बीच में शामिल किया जाए, ताकि सभी लोग जाने ना कि अंदर कमरों में बात क्या हो रही है, कैसे पॉलिसी बन रही है, सभी को भागीदार बनाना चाहिए और सुरक्षित पॉलिसी बननी चाहिए। हम तो बिल्कुल हकदार हैं इसके फेवर में। नेत्रगढ़ की घटना पर आप जिम्मेदार कैसे मानते हैं? देखिए, सीधी बात है, जिसने नुकसान किया है ड्राइवर और स्कूल प्रशासन, इस पर जिम्मेदारी बनती, मैं 50 बार कह रहा हूँ। आप 1,00,000 बार भी कहलवाएंगे तब भी मैं कहूँगा जिम्मेदारी हम ले रहे हैं उसकी, हम उस पर, और जो उन्होंने कार्रवाई किया, किसी एसोसिएशन लीडर ने उसका विरोध नहीं किया, सब बच्चों के साथ हैं। NCR क्षेत्र में आने वाली 10 साल पुरानी बस हो, या फिर जिसके कागज़ पूरे ना हो, या RTA से पूरी क्लियरेंस ना हो, उन पर जो कार्रवाई है उसके हक में है आप पूरे तरीके से, वो होनी चाहिए। अच्छा, मैं NCR की एक बात जो मैंने बात बताई, अगर आप उसका एक बिंदु लें कि जींद में बस नहीं चल सकती, 2 किलोमीटर आके कैथल में चल सकती है, 5 साल उसकी लाइफ बढ़ जाती है। मुझे ये बात समझ आ नहीं रही है सरकार की कि जींद से कैथल आ जाएगी तो उसकी लाइफ ठीक है, कैथल से जींद चली जाएगी लाइफ खराब हो गई है। अरे, अगर आप इससे 10 साल में 5 साल उसकी लाइफ घटा दोगे तो NCR का एरिया है, कुलभूषण शर्मा जी वो एरिया है। आप सीधा ये बताइए कि आप ये जो कार्रवाई हो रही है NCR क्षेत्र के अंदर जो हो रही है, बाहर वाली तो सबको पता ही है कि बाहर इस तरीके की चीज़ें संचालित हो सकती हैं जो बसें हैं, आप उसको लेकर के ठीक है, वो भी जो आप कर रहे हैं, हम NCR एक अलग मामला, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं कि ये जब NCR का फैसिलिटी है ही नहीं तो उसके कारण तो उल्टा नुकसान हो रहा है ना। तो दूसरा हमारा एक पहलू है जिसको हर कोई ये ले रहा है कि प्राइवेट स्कूल ऐसे क्यों कह रहे हैं, 9 साल का हमारा भुगतान करें ताकि हम नई बसें खरीदें, हम अपने स्कूल में कमरे बनाएं। हमारे पे नॉर्म्स का इल्ज़ाम लग जाता है कि आपने कमरे पूरे नहीं किए, जब हमारे पैसे ही आप दे नहीं रहे, ना हम कमरे बना पा रहे, ना इधर काम कर पा रहे, उसके बाद फिर हमें दोषारोपण सारा हमारे पे। अगर बच्चों पर दिक्कत होगी, दुर्घटना होगी, जान जाएगी, तो फिर तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रशासन की। मैं कह तो रहा हूँ कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन सर अगर हमारे पैसे आने ही नहीं दोगे और कहो कि भाई तूने जो है 30 लाख रुपए खर्च करने हैं और हमारे पास 5 लाख हैं, बैंक लोन नहीं देता, सरकार हमारी पेमेंट करने को तैयार ही नहीं है, सरकार पे क्या कमी है? जो हमारी कानूनन जो दे है वो तो दे, उसमें दिक्कत क्या, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो कानूनन हमको गैर कानूनी मांग तो नहीं कर रहे, वो हमारे पास आएगा तो हम स्कूल सेफ्टी पे, स्कूल की इम्प्रूवमेंट में ही तो लगाएंगे, हमारी इम्प्रूवमेंट और सेफ्टी बाध्यता हो रही है उससे। शुक्रिया बात करने के लिए। कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से किस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की, उस पर यहाँ एतराज जताया जा रहा है कि जो तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। NCR क्षेत्र के अंदर हालांकि जो है वो कह रहे हैं कि लड़ाई इसको लेकर के लड़ी जा रही है कि उसका दायरा घटाया जाए क्योंकि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो पैसा सरकार के पास है अगर वो मिल जाता है तो और भी अधिक फैसिलिटीज़ पर खर्च किया जा सकता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।